प्राथमिक लिंगिक अंग उद्रगुहा के बाद फ्रोनी क्षेत्र में मिलते हैं, दिल नुमा संरचना वृषण कोष में मिलते हैं, कितने होते हैं स्टूडेंट? एक जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं? एक जोड़ी। और रंग कैसा है इनका? गुलाबी। यदि अपन बात करें वृषण कोष, तो वृषण कोष जो होता है उसका कार्य क्या होता है? देखिए स्टूडेंट, अपने शरीर में, ठीक है, अगर यदि बात कर ले, थोड़ा छोटा क्वेश्चन की बात कर ले, कि जो वृषण होते हैं वो उद्रगुहा के बाहर स्क्रोटम में क्यों पाए जाते हैं, वृषण कोष में क्यों पाए जाते हैं, तो उसका भी कारण है भाई। क्या होता है? अपने शरीर का जो तापमान है वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। और इतना तापमान जो होता है वो शुक्राणु बनने के लिए क्या नहीं होता? अनुकूलित नहीं होता। मतलब शुक्राणु बनने के लिए इससे क्या चाहिए? थोड़ा कम तापमान चाहिए। तो उससे क्या होता है, इससे जो आपके वृषण होते हैं जब अपना जन्म होता है, तो ये वृषण जो होते हैं वो किसमें उतर आते हैं? ये वृषण जो होते हैं वो वृषण कोष में उतर आते हैं, जिसके कारण क्या हो सके, जो वृषण है उनके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण हो सके। क्या हो सके बेटा? शुक्राणुओं का निर्माण हो सके। वृषण के तापमान को कम रखने का कार्य करता है। क्या करता है बेटा? यह वृषण के तापमान को कम रखने का कार्य करता है। और यह कितना मतलब कितना जो तापमान है वो कम करेगा? लगभग आपका 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, मतलब अप्रोक्स 34 या 35 डिग्री सेल्सियस के करीब क्या कर देगा ये जो वृषण है उनका तापमान करेगा। यानी कि शरीर से लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस जो है कम तापमान ये क्या करता है, जो वृषण है उसके लिए ये रखता है, जिसके कारण यहाँ पर शुक्राणुओं का निर्माण हो जाता है। ठीक है जी, एक जोड़ी क्या होते हैं ये आपके वृषण जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। हाँ जी, अब इनकी लंबाई चौड़ाई जरूर देखना आप लोग। देखिए भाई, वृषण की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? लंबाई होती है वो होती है लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर। चौड़ाई जो होती है वो होती है बेटा 2 से 3 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो यहां पर तो जो आपका लंबाई होती है वो तो 4 से 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो है वो 2 से 3 सेंटीमीटर है। इसके बाद वृषण जो है, वृषण किसके द्वारा ढका रहता है बेटा? सघन आवरण द्वारा ढका रहता है। ठीक है जी, सघन आवरण द्वारा ढका रहता है, जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, जिसे अपन लोग बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। एक आपका इसमें ट्यूनिका वेजाइनलेस भी होता है। तो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो है वो यहां पर क्या होता है, सघन आवरण के रूप में यहां पर देखने को मिलता है। इसके अलावा यदि अपन बात करें वृषण की, तो इस वृषण के अंदर कुछ कक्ष पाए जाते हैं। इन पालिकाओं को या इन पालियों को अपन क्या बोलेंगे, वृषण पालिकाएं या वृषण पाली। ठीक है जी, तो इनको अपन क्या बोलते हैं, वृषण पालिकाएं या वृषण पाली, या इन्हें अपन इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? लगभग इनकी संख्या होती है 250। कितनी होती है? 250 कक्ष होते हैं। और इस हर एक पालिका में, ठीक है, हर एक पालिका में, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, ये वृषण है। अब इसमें क्या है, ये एक कक्ष है, तो इस कक्ष में क्या होगा, इसे कुंडलित आपको क्या मिलती है, नलिकाएं देखने को मिलती है ऐसे। इन कुंडलित नलिकाओं की संख्या कितनी होती है? 1 से 3। तो स्टूडेंट, इन शुक्रजनन नलिकाओं को अपन क्या बोलते हैं, वृषण की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई भी बोलते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर शुक्रजनक नलिकाएं जो होती है वो देखने को मिलती है। और जब इनका अनुप्रस्थ काट काटते हैं अपन, तो यहाँ पर अपन को क्या दिखाई देगा, तो इनके अंदर अपन को दो भाग दिखाई देते हैं। एक तो इनका होता है अंतराली क्षेत्र, जो बाहरी भाग होता है वो तो क्या कहलाता है, अंतराली क्षेत्र। और एक इनका क्या होता है, आंतरिक भाग होता है। क्या होता है बेटा? आंतरिक भाग। अब यदि मैं बात करूं कि अंतराली क्षेत्र में क्या मिलता है, तो बेटा अंतराली क्षेत्र के अंदर कुछ कोशिकाएं मिलती है, जिसे अपन लोग बोलते हैं लीडिंग कोशिका। बात करें कि अंतराली क्षेत्र में यहां पर क्या देखने को मिलता है, तो अंतराली क्षेत्र के अंदर आपको लीडिंग कोशिकाएं देखने को मिलती है। लीडिंग कोशिकाएं बोल दो या इसे क्या बोल दो, अंतराली कोशिकाएं बोल दो। तो इनमें अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिकाएं देखने को मिलती है, जबकि इनके आंतरिक भाग में क्या मिलता है आपको, आंतरिक भाग में नर जर्म कोशिका या सर्टोली कोशिकाएं देखने को मिलती है। तो यहाँ पर नर जर्म कोशिका तो आंतरिक भाग में, सर्टोली कोशिकाएं भी कहाँ पाई जाएगी, आंतरिक भाग में। यदि मैं बात करूं तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या मिलेगी, संरचना मिलेगी। रफली मैं एक बार बना रहा हूं, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से।
ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला भाग तो जो हो गया वो तो हो गया आंतरिक भाग, कौन सा भाग हो गया बेटा आंतरिक, और ये वाला भाग जो हो गया वो हो गया अंतराली क्षेत्र। तो यहाँ पर तो जो कोशिकाएं मिल रही हैं आपको उनको अपन क्या बोलते हैं, इनको अपन बोलते हैं अंतराली कोशिका, जबकि अंदर जो पाई जा रही है इनको अपन क्या बोलते हैं, इनके अंदर यहाँ पर तो क्या मिलेगी आपको, यहाँ पर तो मिलेगी नरजन्म कोशिका जिनसे शुक्राणु का निर्माण होता है, और अंदर की तरफ आपको बड़ी बड़ी सेल्स मिलेगी जिनको अपन लोग क्या बोलते हैं सर्टोली कोशिका। देखिए स्टूडेंट, नरजन्म कोशिका जो होती है वो तो किसमें भाग लेती है, ये तो भाग लेती है बेटा शुक्राणु जनन में, किसमें भाग लेती है शुक्राणु जनन में, मतलब इन्हीं से किसका निर्माण होता है शुक्राणु का निर्माण होता है, जबकि सर्टोली कोशिका जो होती है वो क्या करती है विकसित हो रहे जो शुक्राणु होते हैं, क्या है स्टूडेंट विकसित हो रहे शुक्राणु जो होते हैं उन्हें क्या प्रदान करेगी, पोषण प्रदान करती है, क्या करती है जो विकसित हो रहे शुक्राणु होते हैं उन्हें पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। तो सर्टोली कोशिका एक तरीके से किसका काम कर रही है, नर्स सेल का भी काम करती है, नर्स कोशिका भी इसे कहते हैं। भाई सर लीडिंग कोशिका का काम क्या है, तो बेटा लीडिंग कोशिकाएं जो होती हैं वो किसका श्रावण करती है, नर एंड्रोजन का श्रावण करती है, किसका श्रावण करती है नर एंड्रोजन का। तो ये किसका श्रावण करते हैं नर एंड्रोजन, लाइक आपका टेस्टोस्टेरोन जो होता है उसका ये श्रावण करते हैं, पुंजन हार्मोन का ये श्रावण करते हैं, जिसके कारण जो आपके नर है उसमें द्वितीयक लैंगिक लक्षण आते हैं। तो स्टूडेंट ये सारी चीजें जो थी वो किसके लिए थी, आपके वृक्षण के, वृक्षण जो है वो प्राथमिक लैंगिक अंग है, ये युग्मकों के निर्माण का कार्य करता है, इसमें शुक्राणु का निर्माण होता है, उदर गुहा के बाहर पाए जाते हैं श्रोणी क्षेत्र में, उदर गुहा के बाहर मिलेंगे, एक थैलीनुमा संरचना में मिलेंगे जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं वृक्षण कोष बोलते हैं। वृक्षण कोष का काम क्या होता है, ये वृक्षण के तापमान को कम रखने में क्या करता है सहायता करता है, कितना कम करता है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या करता है इसको कम करता है, लगभग लगभग 35 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्स क्या करता है उसका टेम्परेचर रखता है, ठीक है जी। वृक्षण के लिए एक जोड़ी होते हैं, लंबाई कितनी होती है बेटा 4 से 5 सेंटीमीटर लंबाई है, 4 से 5 सेंटीमीटर चौड़ाई है 2 से 3 सेंटीमीटर। वृक्षण जो होते हैं वो सघन आवरण द्वारा ढका रहता है, सघन आवरण द्वारा क्या रहता है ढका रहता है। यदि अपन बात करें तो वृक्षण जो होता है वो क्या होता है आपका, वृक्षण जो होता है उसके अंदर यदि अपन उनका अनुप्रस्थ काल काटे तो वृक्षण के अंदर कुछ कक्ष दिखाई देते हैं जिन्हें अपन को क्या बोलते हैं वृक्षण पालिकाएं। इन वृक्षण पालिकाओं की संख्या कितनी होती है, याद रखना स्टूडेंट इन वृक्षण पालिकाओं की संख्या होती है 250, कितनी होती है 250, ठीक है जी। 250 वृक्षण पालिकाएं यहां पर पाई जाएंगी, ठीक है जी। और इसके अंदर इन वृक्षण पालिकाओं में लगभग 1 से 3 क्या मिलती है अति कुंडलित, आपको क्या मिलेगी 1 से 3 कुंडलित जो होती है वो आपको शुक्रजनक नलिकाएं मिलती है। तो वृक्षण पालिकाओं के अंदर क्या मिलती है आपको, शुक्रजनक नलिकाएं मिलती हैं, ये वृक्षण की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। इसके बाद यदि अपन बात करें तो इनमें 2 क्षेत्र पाए जाते हैं, एक तो अंतराली क्षेत्र है और एक क्या है इसका आंतरिक भाग है। अंतराली क्षेत्र में कुछ कोशिकाएं मिलती है जिन्हें अपन बोलते हैं लीडिंग कोशिकाएं, ये नर एंड्रोजन का स्त्रावण करती है, नर एंड्रोजन पुंजन हार्मोन जो क्या करता है बेसिकली आपका टेस्टोस्टेरोन है द्वितीयक लैंगिक लक्षण को लेकर आता है, जबकि आंतरिक भाग से भाग में 200 सेल्स पाई जाती है, 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक तो नरजर्म कोशिका होती है जो शुक्राणुओं का निर्माण करती है, एक सर्टोली कोशिका होती है जो विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है, इसे अपन नर्स कोशिका भी कहते हैं। ये स्टूडेंट आपका हो चुका है वृक्षण के बारे में। अब अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा सहायक जनन नलिकाओं के बारे में। देखिये स्टूडेंट सहायक जनन नलिकाओं में कौन कौन से आते हैं, तो सहायक जनन नलिकाओं में तो सहायक जनन नलिकाओं में क्या होता है बेटा, पहला पे आपका आता है कौन, वृक्षण जालिकाएं रेटिटेस्टिस। तो स्टूडेंट वृक्षण जालिकाएं क्या होती है, वृक्षण जालिकाएं वे संरचनाएं हैं जो किससे निकलती है, जब शुक्रजनक नलिकाएं सभी शुक्रजनक नलिकाएं एक जाल रूपी संरचना के रूप में बाहर निकलती है उस संरचना को अपन क्या बोलते हैं बेटा वृक्षण जालिकाएं। तो सबसे पहले जो शुक्रजनक नलिकाएं होती है वो किसमें खुलती है, वो वृक्षण जालिकाओं में खुलती है। इसके बाद कौन आता है, वृक्षण जालिकाओं के बाद आती है बेटा आपकी वासा इफरेंसिया, क्या आती है वासा इफरेंसिया। इसमें थोड़ा सा हिंदी मीडियम में कंफ्यूज हो जाते हैं शुक्रवाहक शुक्रवाहिका के रूप में, तो शुक्रवाहिका। तो वृक्षण जालिकाओं के बाद में कौन आ जाएगी बेटा, वासा इफरेंसिया शुक्रवाहिका। वासा इफरेंसिया के बाद में कौन आती है, वासा इफरेंसिया के बाद में आते हैं अधिवृक्षण। कौन आते हैं अधिवृक्षण। ये बेटा कैसे संरचना होती है, ये अति कुंडलित संरचना है। कैसी संरचना बेटा, ये अति कुंडलित संरचना है, काफी विलंब। तो अधिवृक्षण जो होता है वो एक अतिकुंडलित भाग होता है इसका। अधिवृक्षण के अंदर क्या होते हैं, अधिवृक्षण के अंदर जो स्पर्म जो कहां बन चुके होते हैं, जो आपके वृक्षण में बन जो स्टूडेंट वृक्षण में बन चुके जो युग्मक होते हैं, मतलब कि जो आपके शुक्राणु होते हैं, वो कुछ समय के लिए यहां रुकते हैं। किसके अंदर, अधिवृक्षण के अंदर रुकते हैं, जहां पर इनमें क्या आती है परिपक्वता आती है और गतिशीलता इनको मिलती है। और उसके बाद ये किसमें चले जाएंगे, उसके बाद ये चले जाएंगे वासा डिफरेंसिया में। कहां चले जाएंगे स्टूडेंट, वासा डिफरेंसिया।
अब वासा डिफरेंसिया क्या है, आपका शुक्र भाग बोल सकते हैं इसे, ये एक नली नुमा भाग होता है। क्या होता है, ये एक नली नुमा भाग। तो अधिवृक्षण जो होता है, अधिवृक्षण जो होता है वो आपका वृक्षण के पश्च सिरे से निकलते हुए किसमें जाएगा, आपका शुक्रवाहक में खुलता है। किसमें खुलता है बेटा, शुक्रवाहक में। शुक्रवाहक का काम क्या होता है, शुक्रवाहक का काम होता है शुक्राणु को कहाँ ले जाना, मूत्र जनन मार्ग तक ले जाना। ये किसका कार्य है बेटा, वासा डिफरेंसिया का कार्य है। तो भैया वासा डिफरेंसिया से ये कहाँ आएगा, तो बेटा वासा डिफरेंसिया से ये बेसिकली आपका आता है कहाँ पे, आपका शुक्राशय में। कहाँ आता है बेटा, शुक्राशय के अंदर आता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका ये क्या है, ये कोई आपकी वासा डिफरेंसिया इस तरीके से। तो इसमें इस तरीके से क्या होता है, एक स्ट्रक्चर और खुलती है यहाँ पे, फिर ये आकर ये कॉमन हो जाती है, इसे दोनों तरफ खुलती है। ठीक है, इस तरीके से कॉमन हो जाएगी आपकी। तो इसे अपन क्या बोलते हैं, शुक्राशय। तो इस शुक्राशय के अंदर क्या होगा, पहले ही जाएगा भाई। शुक्राशय में क्या बनता है, शुक्राशय में वीर्य का 60% भाग कौन बनाता है, शुक्राशय बनाता है। कौन बनाता है बेटा, वीर्य का 60% भाग कौन बनाता है, शुक्राशय बनाता है। तो वीर्य का 60% कौन बनाएगा, शुक्राशय बनाता है। और यहां पर क्या है, ये आपकी स्कलनीय वाहिनी। क्या है ये, स्कलनीय वाहिनी। इस स्कलनीय वाहिनी जो होती है आपकी, जो ये नलिकाएं होती हैं, इनमें क्या होता है, इनमें जो शुक्राणु होते हैं इनका भंडारण किया जाता है। क्या किया जाएगा इनमें, इनका भंडारण, और भंडारण के बाद इन्हें कहां छोड़ दिया जाता है, मूत्र मार्ग में या मूत्र जनन मार्ग में इनको छोड़ दिया जाता है। फिर शुक्राशय जो होगा, ठीक है जी, शुक्राशय से ये निकलते हुए, मतलब जो आपका स्कलेन वाहिनी होती है उससे निकलते हुए क्या आ जाएंगे, मूत्र जनन मार्ग में आ जाएंगे। तो यहां पर क्या होता है, इसके द्वारा ये मूत्र जनन मार्ग, ठीक है जी, इसका मतलब सीधी सी है कि शुक्राशय जो होते हुए कहां चले गए, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है मूत्र जनन मार्ग। तो ये बेसिकली आ कहां से रहा है, मूत्र जनन। तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि यहां से कहां खुलेगा, मूत्र जनन मार्ग के रूप में बाहर खुलता है। अब बात आती है स्टूडेंट यहां पर क्या, कि जो वीर्य है उसका निर्माण कौन कौन करता है। तो स्टूडेंट ये भी याद रखना, जो वीर्य है उसका निर्माण कौन कौन करता है, उसका निर्माण एक तो आपकी सहायक जनन ग्रंथियों में कौन करती है, शुक्राशय करता है। कौन करता है, शुक्राशय। शुक्राशय तो करेगा 60%, जबकि आपका पुरस्थ ग्रंथि होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है, पुरस्थ ग्रंथि या प्रोस्टेट ग्रंथि, वो करता है 40%। ठीक है जी, इस वीर्य में क्या क्या होता है, रासायनिक संगठन याद रखना भी बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या मिलता है, फ्रक्टोज मिलता है, कैल्शियम मिलता है, और क्या मिलते हैं, कुछ एंजाइम मिलते हैं, लाइक हाइलुरोनिडेज एंजाइम मिलता है, जो निषेचन के समय क्या आता है, काम में आते हैं। तो इसमें कुछ क्या मिलते हैं, आपके एंजाइम भी मिलते हैं। तो स्टूडेंट जो शुक्रद्रव होता है, वीर्य जो होता है, इसके अंदर क्या मिलते हैं आपको, फ्रक्टोज मिलता है, जो क्या होती है आपकी फल शर्करा कहलाती है। ये सिर्फ और सिर्फ वीर्य में ही देखने को मिलती है, यदि मनुष्य की बात की जाए तो ये कहां मिलेगी, उसके वीर्य में ही देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो कैल्शियम है, जो क्या है आपका, कैल्शियम है। इस कैल्शियम भी आपको कहां मिलता है, इसके अंदर मिलता है, और साथ ही साथ आपको एंजाइम भी इसमें क्या होता है, भरपूर मात्रा में प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर जो वीर्य है उसका निर्माण कौन करता है, आपका शुक्राशय करता है, और पुरस्थ ग्रंथियां करती है। शुक्राशय जो होता है वो तो 60% करेगा, और जो पुरस्थ ग्रंथियां प्रोस्टेट ग्रंथि होती है वो कितना करती है, 40% करती है। ठीक है जी, अब इसमें एक चीज और आती है, क्या आपकी बल्बोरेथ्रल। सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं सिसन के बारे में। ये तो पूरा मार्ग है, युग्मक जो आपके शुक्राणु है वो किस तरीके से क्या करते हैं, आपके निष्कासित होते हैं। तो इसके लिए अपन बोल सकते हैं सहायक जनक, जो अपनी क्या है, शुक्र जनक नलिकाएं जो होती हैं उनसे फिर वृक्षण जालिकाओं में आएंगे, वो वहां से वासा डिफरेंसिया में, फिर अधिवृक्षण में कुछ देर तक रुकेंगे, उसके बाद वासा डिफरेंसिया में, फिर वहां से होते हुए जो आपकी स्कलेन वाहिनी होती है शुक्राशय के अंदर क्या बनेगा, वीर्य बनेगा। स्कलेन वाहिनी से होते हुए कहां चले जाएंगे, आपके मूत्र जनन मार्ग में खुलेंगे, और उससे बाहर आ जाएंगे। ठीक है जी,